आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं राजकुमार राव और तृप्ति दिमिल की नई आने वाली फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, और फिर हम उस ट्रेलर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्या, ये अंग्रेज लोग ना अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं और फिर बुढ़ापे तक उसे देखते रहते हैं, तभी तो देखो कितने खुश रहते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम लोग भी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं। थैंक यू बिजली विभाग। ऋषिकेश में है क्या कोई मुझसे अच्छा दोनों हाथों से मेहंदी लगाने वाला? अरे लड़की की बुआ के तो हाथ नहीं थे, उन्हें भी मेहंदी लगा दी। हाथ नहीं थे, लगाई कहाँ? कंधों पे। ये क्या घुमा रहे हो? हमारे वाले वीडियो की सीटी। पूरी रात ऐसे सीटी चलाएंगे कि मतलब उस स्क्रैचेस आ जाएंगे सीटी पे। चोरी हो गई दादाजी, इज्जत चली गई हमारी। चोरी हो गई। लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला। ठरकुल्ला रसगुल्ला सुन रहा था? ठरकुल्ला ठरक से दो लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चोरी हुई है सर, एक सीडी प्लेयर और उसमें एक सीडी रखी हुई है। मैं क्या इंस्पेक्टर इस दिन के लिए बना था? अरे कोई जहाज चोरी हो जाता, किसी कंट्री पे कब्जा हो जाता, बुलाते समझ में आता। अब तुम्हारे ये कानून गीला हो गया सर। चोर को देखा तो होगा, पकड़ा गया भाई। चित्रकार बुलाओ बेटा। अरे सर पूरे ऋषिकेश में एक ही। जल्दी बोल दे, दो हो जाएंगे। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? डेट वेट पे तो नहीं जा रहे हो तुम किसी के साथ? हम जैसे मिडिल क्लास लड़के ना डेट पे नहीं भंडारों पे जाते हैं, पर वहाँ भीड़ इतनी होती है कि लेट पहुँचो ना तो गाय के मुंह से पूरी छीन के खानी पड़ती है, ऊपर से चप्पल चोरी हो जाती है, वो अलग। पुलिस नीचे। बस सब्जी नहीं बेच रहा, रेड पड़ी है। मैं विक्की को 10 साल से जानता हूँ, ये किसी पे हमला नहीं कर सकता। हम भी चीन को 50 साल से जानते हैं, हमला कर रहा है। सीडी प्लेयर के लिए तूने मर्डर कर दिया? चोर के पास हमारा सीडी प्लेयर मिल गया और उसमें सीडी है ही नहीं हमारी। तो फिर हमारी सीडी है कहाँ? अगर वो वीडियो चाहिए तब 2 लाख रुपए लेके चुपली ग्रेवयार्ड में पहुंच जा। हेलो ए, पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। शादी करना चाहता हूँ आपसे। शक्ल देखिए अपनी, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? मैं तो पता है बचा, मुंह सामने रख के चला कर। देखो भाई मूवी काफी फनी होने वाली है, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल सा और छोटा सा है। कहानी है 1987 की, जिसमें पति और पत्नी शादी के बाद अपने सुहागरात का एक वीडियो बनाते हैं। दूसरे दिन उठते हैं तो सीडी प्लेयर और उसके अंदर की सीडी गायब हो जाती है। अब पूरी मूवी यही है कि वो सीडी वो वापस ढूंढेंगे कैसे। उसके लिए वो पुलिस भी बुलाते हैं और पुलिस में है अपने विजय दास, मतलब कॉमेडी फुल ऑन होने वाली है। साथ में राजकुमार राव और तृप्ति दिमिल की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लग रही है। कहानी बेस्ड है ऋषिकेश में, जिसका मेन अपना हीरो जो है विक्की प्लीज वो मेहंदी करने में एक्सपर्ट है, जैसा मैं ट्रेलर में देखा। और सबसे चौंकाने की बात आई वो है इस ट्रेलर के एंड में, जब हमें स्त्री वाला एलिमेंट थोड़ा बहुत दिखा। मैं तो पता है बचा। तो काफी रेफरेंस के साथ ये फिल्म में हम कॉमेडी देखने वाले हैं। एक और रेफरेंस देखा था हमने दिल्ली बेली का। बस सब्जी नहीं बेच रहा, रेड पड़ी है। जब विजय राज दरवाजे पे नोक करता है, ऐसा सेम सीन हमने देखा था दिल्ली बेली फिल्म में। कौन है? सर लुंड्री। नहीं चाहिए। लुंड्री?
अबे चूत। सेम विजय राज के साथ वो कॉमेडी, इसकी पंचलाइन काफी बेहतरीन है, काफी अच्छी होने वाली है ये फिल्म। पहले ये ट्रेलर रिलीज होने वाला था 1 बजे, फिर इसका टाइम चेंज करके 1:30 बजे रिलीज करने वाले थे, फिर टाइम बढ़ाया 2 बजे और फिर फाइनली 2:15 को ट्रेलर आ चुका है। ऐसे ही कुछ नाम की एक और मूवी पहले आ चुकी है जो अभी तक मैंने नहीं देखी है। खैर, कल इसी मूवी का एक टीजर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट रिलीज हुआ था जो काफी अलग तरीके से किया गया था, एकदम रेट्रो वाली फील के साथ। राजकुमार राव और तृप्ति दिवरी एज अ न्यूज एंकर बनके इस फिल्म का न्यूज पढ़ने के स्टाइल में अनाउंसमेंट किया था। उससे कुछ कुछ आइडिया आ गया था कि ये फिल्म रेट्रो टाइप होने वाली है और पारिवारिक भी होने वाली है। राजकुमार राव की रिसेंट हिट फिल्म 3-2 के बाद एक बार और हम उसे देखने वाले है और तृप्ति दिवरी की एनिमल मूवी के बाद एक के बाद एक मूवी आने लगी है, बेड न्यूज और अब ये, और रिलीज होने वाली है आज से 1 महीने बाद 11 अक्टूबर को। तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगे ट्रेलर। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। ऐसे ही अमेजिंग मूवी रिव्यू सजेशन और रिएक्शन वीडियोस के लिए फाइंड माय फिल्म को सब्सक्राइब करें और आप जाके देखिए ये वाला वीडियो।